महाशिवरात्रि 1 मार्च की है। शिवरात्रि से पहले सभी सुन ले, जो भी मनुष्य जिस कामना के साथ शिवरात्रि पर कोई कामना हो आपकी, अगर आप चाहते हैं वो कामना आपकी सिद्ध हो जाए, तो आपको विशेषतः इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी वस्तु से अभिषेक करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, वो हम बताने जा रहे हैं। आप ये कार्य अवश्य करें। महाशिवरात्रि का पावन पर्व भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठतम पवित्र त्यौहार है। भगवान शिव का अभिषेक कई प्रकारों से किया जाता है, जिसमें अगर हमारे कोई मनोरथ हों, उन मनोरथों की सिद्धि के लिए अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति सौभाग्य में, अपनी सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं, उन लोगों को गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल से जो अपने घर में शांति तथा लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जो संसारिक भोग प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सुगंधित तेल इत्र इत्यादि से अच्छा, यहां लोभ न करें, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप अच्छे पैसे वाले हो तो 2-4 लाख रुपए का भी इत्र का अभिषेक कर सकते हैं, और अगर आप कम पैसे वाले हो तो कम कीमत वाले इत्र से भी। लेकिन ध्यान रखें, जिस लायक हो वही प्रयोग करें, वहां कंजूसी नहीं करनी। नहीं है तो भावना का भी सुगंधी का तेल बनाकर, इत्र बनाकर डालेंगे तो भगवान शिव उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे, जब नहीं है तो भगवान शिव जान ही जाएंगे। तो भोग प्राप्ति करना चाहते हैं तो सुगंधित इत्र इत्यादि तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। शत्रु के नाश के लिए, ये बताऊं कि नहीं बताना, क्योंकि अधिकांश वो यही कर डालेंगे। मैं सच बता रहा हूं आपको, सब लोग शिवरात्रि पे जितने इसको 10-5 लाख लोग देखेंगे ना, तब तक इसमें से 80% वही से करेंगे, तो इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, ये नहीं बताएंगे। भगवान शिव तो नाश कर ही देंगे उसका, लेकिन उसके भाग्य में नाश नहीं था, आपने जबरदस्ती उसका करवाया, तो वो रुष्ट आपसे भी हो सकते हैं, इसलिए मात्र इस विषय को मैं आपसे छुपा लेता हूं, ये नहीं बताऊंगा। जो लोग बुद्धि पाना चाहते हैं, जो कई लोग होते हैं ना, हमारे घर के बच्चे पढ़ते नहीं है, उनमें बुद्धि नहीं है, ध्यान नहीं लगाते हैं, ये वो कोई सब, जो बुद्धि चाहते हैं, उन लोगों को मीठे जल से या मीठे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए शिवरात्रि पे, उनको अथवा उनके बच्चों को बुद्धि की प्राप्ति होगी। जिनके वंश नहीं है, जिनके संतान नहीं है, अगर चाहते हैं कि उनको संतान की प्राप्ति हो, वंश वृद्धि हो, तो वंश वृद्धि के लिए गाय के, शुद्ध देसी गाय के घी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, उसकी वंश वृद्धि होगी। जो लोग कई नाना प्रकार की मनोवांछित इच्छाएं प्राप्त करना चाहते हैं, कि हम अलग 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 कोई भी अपनी अपनी पर्सनल इच्छाएं आपकी रही हों, अगर उन इच्छाओं को विशेषतः, जैसे बिजनेस में आगे बढ़ना, जॉब को प्राप्त करना इत्यादि इत्यादि, ये शॉर्टकट हैं जो बता रहा हूँ, यहाँ हम लोग वो तो है नहीं है, खोया प्यार प्राप्त करें, ये वो जादू टोना वाला सिस्टम इधर नहीं है, ये इस पे इफेक्ट नहीं करेगा। ये काऊ को ब्याह है, वो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा प्यार, उसकी शादी होगी तुम्हें कहाँ से मिलेगा प्यार, कमाल करते हो जबरदस्ती, 24 घंटे में खोया प्यार प्राप्त कर लें तो ये मिलेगो, तो 5 साल है कहीं आज तक ना मिले हो, ये गलत बात। खोया प्यार कहां से मिलेगा, जब खोई गया, मैं खोई गईया तेरी, अब नहीं मिलेगा। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा।